मॉर्निंग बेटा। चलिए आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे याद है किसी को? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वेग, चाल पढ़े थे ना, चाल, वेग, दूरी, विस्थापन। इस वेग में आज थोड़ा एक विशेषण लगाएंगे, औसत वेग, ठीक ना। एक्चुअल में वेग और औसत वेग एक ही चीज़ है, ठीक ना। वेग में औसत शब्द लगा के औसत वेग पढ़ेंगे और फिर एक ताक्षणिक वेग पढ़ेंगे, ठीक ना। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग और ताक्षणिक वेग, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर पढ़ेंगे त्वरण, एक्सीलरेशन, और त्वरण से फिर पढ़ेंगे मंदन। मंदन क्या होता है? डिसीलरेशन होता है, वो जस्ट अभी बताऊंगा। त्वरण पढ़ के फिर औसत त्वरण और त्वरण एक ही चीज होता है, ठीक ना। औसत त्वरण और त्वरण एक ही चीज होता है। फिर औसत त्वरण शब्द की अवधारणा लाऊंगा, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन से फिर आएगा हमारा औसत त्वरण, सॉरी ताक्षणिक त्वरण। क्या आएगा? ताक्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं, ठीक ना। तो मैं पिछले क्लास का थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ आप लोगों को। पिछले क्लास में मैं बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की तय की गई कुल लंबाई, ये कुल लंबाई किधर किधर गया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जहाँ जाए गया हो वहाँ तक हमको लंबाई मापना है ना, और निश्चित दिशा इसमें नहीं था। तो इस प्रकार तय की गई कुल लंबाई को क्या बोले थे हम लोग? दूरी बोले थे। और मैं बताया था प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि लंबवत दूरी अगर ज्ञात कर लेंगे तो इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन इसमें क्या है, हमेशा जिस बिंदु से मापना चालू करेंगे वो अंतिम बिंदु की दिशा में ही जाना पड़ेगा। प्रारंभिक बिंदु से चालू करेंगे तो अंतिम बिंदु की दिशा में ही जाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु की दिशा से जरा सा इधर उधर हो जाएंगे तो न्यूनतम दूरी नहीं दे पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि विस्थापन सदिश है, उसका निश्चित दिशा है, और वो दिशा किधर से किधर है तो जिस बिंदु से मापना चालू करेंगे और जिस बिंदु की ओर जाएंगे तो मापने वाला बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर ना उनकी दिशा होती है। किनकी दिशा? विस्थापन की। कोई दिक्कत? और दूरी में क्या है, निश्चित दिशा नहीं है, जिधर जाना है उधर दिशा उसका हो जाएगा, ठीक ना। तो दूरी कुल लंबाई है, दूरी क्या है? कुल लंबाई है, और विस्थापन न्यूनतम लंबाई है। दोनों के लिए एक ही समय आता है, ठीक ना। और इसी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अभी 11 क्लास और 12 क्लास में हम लोग जितने भी समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक ना, गति का समीकरण, तीन समीकरण प्राप्त करेंगे, वो हमेशा सरल रेखीय गति का अवधारणा से आता है, ठीक ना। इसलिए चाल और वेग का ही चीज हो जाएगा। अगर रास्ता ही पूरा सीधी हो, पूरा सीधी 90 डिग्री कोण के साथ ही बना हुआ हो, ठीक ना, तो इस केस में दूरी और विस्थापन क्या होगा? समान होगा, क्योंकि इसका तय की गई कुल लंबाई और न्यूनतम दूरी, लंबवत दूरी सब एक ही होगा। तो इस केस में दूरी और विस्थापन क्या होगा? समान होगा। इसीलिए चाल और वेग समान होगा, और इसी सरल रेखीय पथ की अवधारणा से ही गति के तीन समीकरण को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। वो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको, तीन विधि से प्रमाण करूंगा, कलन विधि से, ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से, ठीक ना। तीनों समीकरण प्रमाण हम लोग करेंगे कलन विधि कैलकुलस मेथड से, फिर पढ़ेंगे उसको ग्राफिकल मेथड से, फिर पढ़ेंगे उसको हम लोग अलजेब्रिकल मेथड से। कोई दिक्कत? आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, ये तो मैं पिछले क्लास को याद दिलाया। आज मैं पढ़ने वाला, हम लोग पढ़ेंगे वेग, तो पढ़ लिए थे उसी से। वेग में एक शब्द लगा देंगे, क्या चीज? औसत वेग। क्या लगा देंगे? औसत वेग। इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज
वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, कुल वही है कि तय की गई कुल विस्थापन, और विस्थापन तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। मतलब किसी खास समय अंतराल में जितना विस्थापन तय करेगा उस विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, औसत वेग। तो वहां भी तो वही था, विस्थापन की दर को वही लेना पड़ता है। जैसे कि हम एक अक्ष बना लेते हैं, यहां से चलना कोई पिंड x दिशा में चलना चालू किया, ठीक ना, मूल बिंदु से चलना चालू किया। अब मान लेते हैं t1 समय पर वो कितना दूर चला गया, x1, ठीक ना, और चलते चलते t2 समय पर कहाँ चला गया है, x2, कितना समय पर, t2 समय पर कितना विस्थापन तय कर लिया है, x2। तो t2 माइनस t1 समय अंतराल में T2 माइनस T1 समयांतराल में कितना विस्थापन हो जाएगा, T2 माइनस T1 मतलब जैसे कि यहां 9 बजे यहां पहुंचे थे, 9 बज करके 20 सेकंड पर यहां पहुंचे, तो T2 माइनस T1 का अर्थ क्या हुआ, 20 सेकंड, 9 बज करके 20 मिनट में 9 बजे को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 सेकंड। तो वो 20 सेकंड ही समयांतराल हुआ, इस समयांतराल में उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 को घटा देंगे ना, इतना समय में विस्थापन इतना हुआ, इसलिए एकांक समय में कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, बात समझे। अब ये जो यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी यानी विस्थापन लंबा था इसलिए दूरी विस्थापन ही होगा, यहां से यहां तक विस्थापन और यहां से यहां तक विस्थापन को घटा देंगे तो कुछ तो बचेगा, x2 में x1 घटाएंगे तो कुछ मीटर तो बचेगा, उसी को हम लोग मान लेते हैं डेल्टा मीटर। क्या मानते हैं, डेल्टा मीटर, यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ये विस्थापन का संकेत हुआ, मीटर तो मात्रक हो जाएगा, और टी टू माइनस टी वन घटा के कुछ तो समय बचेगा, उसी को मान लेते हैं डेल्टा टी, अर्थात उस समयांतराल से भाग दे देंगे विस्थापन को, उस समयांतराल में जितना विस्थापन तय किया है तब ये क्या हो जाएगा, विस्थापन की दर, और इसी को क्या हम लोग बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग ना, यानी कि किसी खास समयांतराल में तय की गई विस्थापन को उस समयांतराल से जब भाग दे देते हैं तब जो वेग प्राप्त होता है उसको हम औसत वेग कहते हैं ना। परिभाषा कई ढंग से बना सकते हैं, उसमें पढ़ते हैं विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, और यहाँ है किसी खास समयांतराल में, किसी खास समयांतराल में तय की गई विस्थापन को यदि उस समयांतराल से भाग दे देते हैं तो प्राप्त वेग क्या कहलाएगा, औसत वेग। किसी खास समयांतराल में तय की गई विस्थापन को यदि समयांतराल से भाग दे दें तो प्राप्त वेग औसत वेग, औसत वेग कहलाता है। कोई दिक्कत, जैसे में बनाते हैं, जैसे यहां देखिएगा, जैसे कोई पिंड T1 समय पर x1 दूरी पर है तथा T2 समय पर कितना दूरी पर है,
एक्स टू दूरी पर है, तो औसत वेग कितना होगा, यानी कि इसको वी ए भी लगा देंगे, ए भी मीन्स एवरोल एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना, ए भी एवरेज हो गया, वी वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो हम क्या बात यहाँ लिखे हैं, किसी खास समयांतराल, समयांतराल मतलब समय का जो अंतर होगा, तो T1 समय पर वो कहाँ था, T1 समय पर था X1 दूरी पर, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं T1 समय पर X1 दूरी पर है, तथा T2 समय पर कहाँ पहुँच गया है, X2 दूरी पर, T2 समय पर कहाँ पहुँच गया है, X2 दूरी पर पहुँच गया है, T2 समय पर कहाँ पहुँच गया, तो हम खास समयांतराल मतलब टी टू माइनस टी वन में तय की गई विस्थापन को, तो उतना में विस्थापन क्या तय किया गया होगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा, समयांतराल से अर्थात उसी टी टू माइनस टी वन से, टी टू माइनस टी वन से भाग दे देंगे, तो विस्थापन की दर नहीं निकल जाएगा, तो इसी को हम लोग घटा के लिखते हैं, एक्स टू में एक्स वन घटा के मान लेते हैं डेल्टा एक्स, और टी टू में टी वन घटा के लिख देते हैं डेल्टा टी, कोई दिक्कत, त्रिभुज जैसा डेल्टा टी लिखते हैं, केवल खाली दाएं तरफ का भाग मोटा होता है, इसे लिखने में उतना कोई जरूरी नहीं होता है कि दाएं मोटा ही नहीं, नियमता होता है कि डेल्टा का दाएं भाग थोड़ा मोटा हो जाता है, कोई दिक्कत, डेल टू माइनस इतनी डेल टू बाय सॉरी डेल एक्स बाय डेल टी, कोई दिक्कत, ये क्या निकला हमारा औसत वेग निकला, ठीक ना। अब इसी में एक और टर्म आता है ताक्षणिक वेग, क्या आ जाता है, यहां देखिए ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए स्पेलिंग क्या है, आई एन एस इंस टी ए एन टेन फिर टेन लगाइए टी ए एन ई ओ यू एस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या इसका एक नया टर्म क्या आया, तात्क्षणिक, क्या आया तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये क्या चीज है, इसकी अवधारणा तो और सरल है, ये जो वेग है अगर गति पथ पर जहां गति कर रही है पिंड उसका जो वेग है वो घटते बढ़ते रहे, हर क्षण क्या हो घटते बढ़ते रहे, यानी कि चर वेग हो, कैसा वेग हो चर वेग हो, वेग हर बिंदु पर सब अगर नियत रहे समान रहे तो उसको नियत वेग कहने लगेंगे, ठीक ना, लेकिन चर वेग अगर हो, कैसा वेग हो चर हो, मतलब हर बिंदु पर समय समय पर वेग घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, तब क्या होगा, तो हम मान लेते हैं किसी क्षण या उसको छोटे छोटे समय अंतराल में बढ़ देते हैं, बहुत अल्प समय में इतना से इतना सा, इतना से इतना सा, इतना से इतना सा, थोड़ा थोड़ा दूरी कर करके हम चर्चा करेंगे, एक दो इससे करके हजार हजार भाग में बांट देते हैं दूरी को, क्या के हजार भाग में बांट देंगे, और इसका इस यहाँ वेग क्या था, यहाँ वेग क्या है, यहाँ क्या क्या है, जब वेग बदल रहा है घट बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ अलग अलग होगा, तो इसमें से होगा ही स्वाभाविक है, किसी खास क्षण, किसी खास क्षण मतलब खास क्षण उसका जो वेग होता है उस वेग को कहते हैं तात्क्षणिक, क्षण वाला है, देखिए तात्क्षणिक में है क्षण, है ना, इसी क्षण के लिए तत्काल, क्षण भर के लिए बात बुझे, इसलिए होता है तात्क्षणिक, किसी तत्काल अर्थात खास समय, क्षण भर के लिए जो वेग होता है ना, किसी अल्प समय अंतराल में, यानी कि किसी खास क्षण पर वेग को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग, और ये क्या था, ये औसत वेग है, मतलब कि
जितना भी विस्थापन उत्तय क्या है, प्रारंभिक समय और अंतिम समय के बीच में देखिए क्या गैपिंग है, ठीक ना, उस समय को पूरे विस्थापन से भाग दीजिए, बीच में घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, बीच में वो सो जाए कोई मतलब नहीं है हमको, बात मुझे तो कुल विस्थापन को कुल समय से भाग देते हैं तब क्या निकलता है औसत वेग। लेकिन अब यहाँ प्रश्न है क्या क्या वो जो औसत वेग निकला क्या हमेशा उसी तरह का वेग रहा होगा पिंड का? नहीं, हो सकता है कभी ज्यादा हुआ होगा कभी कम हुआ होगा, तब उसको कहता है कि अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए हम पूरे विस्थापन को कई भागों में बांट देते हैं, ठीक ना, और खास क्षण पर उसका वेग ज्ञात करेंगे तो ये औसत वेग और उसमें अंतर हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये औसत वेग से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, औसत वेग से थोड़ा कम भी हो सकता है, हो सकता है उस क्षण में बहुत कम भी हो जाए, बात बुझे, तो ये कहता है किसी खास क्षण किसी पिंड के वेग को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग, क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी खास क्षण पर किसी खास क्षण में किसी पिंड के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसका विस्तार से डेफिनेशन भी कर सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं इस तरह, चूंकि कोई भी पिंड औसत वेग से नहीं तय करता है ना, पिंड का वेग घटते बढ़ते रहता है, अर्थात चर वेग के साथ पिंड गतिशील रहता है ना, कैसा वेग के साथ, चर वेग के साथ पिंड गति करता है, तो हम उस वेग को अगर उस पूरे विस्थापन को कई भागों में विभाजित कर दें तो हम देखेंगे कि हर एक भाग पर पिंड का वेग समान नहीं होता है, जबकि औसत वेग का अवधारणा बता रहा है कि वो उसी वेग से गतिशील है, क्योंकि औसत कुल विस्थापन को कुल समय भाग देंगे, जो निकलेगा औसत वो कल आएगा, मतलब इतना वेग से वो गतिशील है, जबकि दुनिया में कोई ऐसा पिंड नहीं है जो औसत वेग से ही हमेशा चलते रहेगा, औसत वेग से वो कैसे चलेंगे, वेग तो कुछ ना कुछ घटेगा बढ़ेगा ही, डायरेक्शन थोड़ा बदल जाएगा, हैंडल इधर उधर हल्का हो जाएगा ना, दिशा बदलने से भी वेग बदल जाता है, तो तब उसको उस विस्थापन को कई भागों में विभाजित करते हैं और एक खास भाग ले लेंगे, उसमें जो वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा और तात्क्षणिक वेग हर एक बिंदु का अलग अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो हम लिखते हैं डेफिनेशन, पिंड के वेग को तात्क्षणिक वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ये तात्क्षणिक वेग की अवधारणा है, वो क्षण जो है इतना कम हो कि लगभग वो जीरो के बराबर हो, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो हम शुरू में आपको बताए थे कि जैसे कि यहाँ से कोई पिंड चलना चालू किया है और खास समय T1 पर वो कितना दूर गया है, X1 दूरी गया है, और फिर T2 पर कितना गया था, X2 दूरी। अब हम मान लेते हैं यही तो T2 टाइम जो है एकदम इसके पास में ही है, बगल में, इतना बगल में है कि T1 और T2 लगभग जीरो के बराबर अंतर हो जाए, इस जगह X2 तो, बात समझे, तो इस T2 माइनस T1 का समय अंतराल जो भी होगा डेल T उसको कहेंगे, X2 में X1 को घटा देंगे जो बचेगा उसको डेल X कहेंगे, और यहीं हम लिख देंगे कि डेल T जो है लगभग जीरो, टेंस टू जीरो इसको बोलते हैं, लगभग जीरो, ठीक ना, डेल्टी टेंस टू जीरो मतलब डेल्टी लगभग जीरो, मतलब इतना कम समय के लिए उसको और आगे बढ़ने देंगे कि वो समय लगभग जीरो के बराबर हो, तब जो भी स्थापन होगा उस विस्थापन को भी उस समय अंतराल से भाग देंगे तो वो भी तो वेग ही कहलाएगा, वो एक प्रकार से हुआ भी अल्प दूरी के लिए औसत वेग ही, लेकिन वही अल्प दूरी के औसत वेग को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं, समझ में आया, तो जगह थोड़ा फूल हो गया इसको मैं मिटा देता हूं, तो तब फिर तात्क्षणिक त्वरण क्या कहेंगे, तो तात्क्षणिक त्वरण हो जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण बराबर, यहां देखिए एक लिमिट गणित में आप पढ़ेंगे लिमिट, क्योंकि सीमा है, सीमा क्या है कि डेल टी का वैल्यू जो है लगभग जीरो हो तब जो विस्थापन होगा डेल एक्स बाय डेल टी ना,
तब इसी को कहेंगे ताक्षणिक त्वरण। ये कुछ नहीं, ये बताता है, ये चीज बताती है कि डेल टी टेंस टू जीरो लिमिट, एक मैंने बता दिया कि एक सीमा है कि समयांतराल जो है बहुत अल्प होना चाहिए। ये डेल टी टेंस टू जीरो का मीनिंग हो गया, या जो भी रहेगा डेल एक्स टेंस टू जीरो रहेगा तो मतलब विस्थापन जीरो होना चाहिए, डेल एफ टेंस टू जीरो अगर यह मिल जाए तो मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं जीरो के करीब, जीरो भी नहीं आए, जीरो आता तब तो सीधे डेल टी बराबर जीरो लिख देते। डेल टी टेंस टू जीरो का अथवा वो जीरो नहीं है लेकिन जीरो के ही लगभग करीब है, कि और कम होता जीरो कह देते, बात समझे। अल्प समय, बहुत अल्प समय को क्या कहते हैं, डेल टी टेंस टू जीरो लिमिट लगा दिया कि ये डेल टी का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, जीरो के करीब क्या होना चाहिए, तब डेल एक्स को डेल टी से भाग देंगे, अर्थात उस समय अंतराल में जो विस्थापन हुआ होगा उसी विस्थापन को क्या कहते हैं, ताक्षणिक त्वरण। क्या कहेंगे, ताक्षणिक त्वरण पढ़ रहे हैं, ताक्षणिक वेग पढ़ रहे हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, कोई दिक्कत, कब जब डेल्टी टेंस टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो, डेल्टी टेंस टू क्या होना जाना चाहिए, जीरो, मतलब समय अंतराल बिल्कुल अल्प हो तब उसमें जो विस्थापन होगा उस विस्थापन को भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा, वो तो विस्थापन को समय भाग देंगे तो वेग निकलेगा ही, लेकिन वो कैसा वेग निकलेगा, ताक्षणिक वेग निकलेगा। और इसी को हम लोग और सरल शब्दों में बदल देते हैं, इस तरह डी एक्स बाय डी टी, कोई दिक्कत, dx by dt ये डेरिवेटिव्स कहलाने लगता है, और d जो है डेल से बहुत छोटा बता है ना, राशि जब कम हो तो डेल से सूचित करेंगे लेकिन बहुत कम हो तब d से सूचित कर देते हैं, कोई दिक्कत। ये डेल और d का अवधारणा यहाँ से उत्पन्न हुआ और ये फिजिक्स में चलते रहेगा और मैथ में भी पढ़ेंगे, होना हो वहाँ क्लियर पूरा नहीं समझ में आपको आए, ठीक ना, कि ये अंतराल अगर बहुत कुछ ज़्यादा ही होता है तब डेल्टा से सूचित करते हैं ना, और डेल्टा से हम बदलते थे डी में कब बदलते हैं, जब बहुत कम हो तो। डी एक्स डी टी का मतलब डी टी बहुत कम समय है, यहाँ देखिए डेल्टी टेंस टू जीरो, तब ये डी डेल्टा टी किस में बदल गया, डी टी में, और डेल एक्स बदल गया है डी एक्स में। डी एक्स का अर्थ हो गया कि ये जो विस्थापन है वो बहुत कम है, और डी टी का भी अर्थ हो गया समय अंतराल जो भी है वो बहुत कम है, कोई दिक्कत। तो ताक्षणिक वेग बराबर हो गया dx by dt, क्या हो गया dx by dt, और कहाँ से निकला, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी को ही लिखे हैं ये चीज। अब इसको ये चीज लिख सकते हैं, इसको ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये वेग बराबर हुआ, ये क्या हुआ, वेग बराबर हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हुआ। इसी तरह मैं एक राशि और समझाता हूं, जो अभी गलती से लिखा था इसका त्वरण, वो भी एक त्वरण भी एक राशि है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना, ये नाइन्थ क्लास में हम लोग परिचित है लेकिन फिर भी याद दिलाता हूं। त्वरण क्या आप पढ़ेंगे, त्वरण ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब ये वेग जो है ये वेग तो घटते बढ़ते रहता है ना, तो किसी खास समय मान लिए वेग कुछ और है, V1 है और आगे बढ़ गया, जैसे इसी पर लेके हम आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं T1 समय पर वेग कितना है, V1 है, और T2 समय पर वेग कितना है, V2 है, तो इस समयांतराल कितना हो गया, T2 - T1, इस समयांतराल में वेग उसका क्या हो जाएगा, V2 - V1, और इस वेग इस समयांतराल में जो वेग है, वेग में अंतर, उस वेग के अंतर को समयांतराल से भाग देंगे तो उसको औसत त्वरण कहते हैं। और खाली त्वरण का परिभाषा तो आप नमो में पढ़े हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, त्वरण कहे या औसत त्वरण कहे वो एक ही चीज है, ठीक ना। तो औसत त्वरण, एक्चुअल में त्वरण भी निकलता है तो औसत त्वरण ही है, इसको कहेंगे एवरेज एसीलरेशन, एवरेज एसीलरेशन ना, इसका परिभाषा क्या बनाएंगे,
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो बच्चा क्लास में पढ़े वही लिख देना है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। और त्वरण बराबर क्या पढ़े थे, वेग बटे समय, यानी पढ़े थे वी माइनस यू बटे टी। वेग नहीं, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन भी वेग ही आएगा लेकिन लिखना है वी माइनस यू। ये नहीं पढ़े थे ए बराबर, इसको हम ऐसे लिख देते ए बराबर वी माइनस यू बाय टी। और यहाँ औसत त्वरण क्या है, तो वह यहाँ भी वही वेग में परिवर्तन आएगा। टी तो क्या है, टी भी तो वो यू से भी होने में लगा समय है, तो यू वेग के समय हम मान लेते हैं टी वन, भी के समय टी टू, तो टी टू माइनस टी वन नहीं हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखाएगा परिभाषा, थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, किसी खास समय अंतराल में, किसी खास समयांतराल में पिंड के वेग में परिवर्तन को यदि किससे भाग देते हैं, समयांतराल से भाग दे दें तो प्राप्त राशि क्या कहलाएगा, औसत औसत त्वरण कहलाती है, एवरेज एक्सीलरेशन ना। अर्थात अगर हम फिर वही अवधारणा लेंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए जैसे क्या बोले थे, उसका हम ये कर लेते हैं, फिर एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि जैसे कि ये एक्स अक्ष है, क्या है ये एक्स अक्ष है, और को खास समय t1 पर मान लेते हैं इसका वेग कितना है v है या v1 है, और t2 समय पर वेग कितना है v2 है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा v2 माइनस v1 नहीं हो जाएगा। और इस समयांतराल क्या होगा, मतलब t2 t1 को घटा देंगे तो बीच का समयांतराल नहीं निकल जाएगा, और उसी समयांतराल से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो इसी को क्या कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। उसमें खास समयांतराल में विस्थापन में जो परिवर्तन हुआ था ना, और यहाँ खास समयांतराल में जो है वेग में जो परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन की दर अर्थात वेग में परिवर्तन की दर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन को भाग देंगे, तो वेग में परिवर्तन की दर नहीं निकल जाएगा, समय ये क्या समयांतराल समय न हुआ, तो औसत त्वरण कहलाते हैं। इसलिए औसत औसत त्वरण बराबर क्या लिख देंगे v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। इसको संकेत के रूप में लिखेंगे a एवरेज, a एवरेज औसत त्वरण, क्या लिख देंगे a एवरेज औसत त्वरण बराबर डेल भी बाय डेल नहीं डेल्टा भी बाय डेल्टा t। लिखेंगे अभी दिखाएंगे, वो ताक्षणिक निकलेगा। इसके बाद अब एक राशि और लेंगे, एक टर्म और आएगा ताक्षणिक त्वरण, कि ये जो त्वरण है त्वरण भी समान दर से नहीं घटता बढ़ता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, ये होते रहेगा। जब आप गाड़ी चलाएंगे एक रंग त्वरण आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब वही कहा जाता है कि हम छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित करते हैं पूरे पथ को, हर एक पथ पर आप देखेंगे कि आपका त्वरण अलग ढंग से घट बढ़ रहा है, तब किसी खास टुकड़ा में खास समय अंतराल में जो आपका त्वरण होगा जो कि बहुत अल्प समय अंतराल के हो, जो कि क्षण भर के लिए हो, डेल्टी टेंस टू लगभग जीरो, यानी को जो टुकड़ा जैसे ये पथ है, इस पथ को हम हजार टुकड़ा कर देंगे हजार टुकड़ा, और किसी एक टुकड़ा पर आपका त्वरण क्या है, ठीक ना, किसी एक टुकड़ा पर जो त्वरण होगा उस त्वरण को क्या कहेंगे हम, उस त्वरण को ही कहेंगे तात्क्षणिक त्वरण, क्या कहेंगे उसको तात्क्षणिक त्वरण। समझ में आया कि किसी खास क्षण भर के लिए, किसी खास क्षण भर के लिए
वो वेग में जो परिवर्तन की दर है उसको कहेंगे हम तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण एक टॉपिक नया लिखते हैं, जरा से इसको साफ कर दो। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस, टी ए एन ई ओ यू एस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसको एक्सीलरेशन पढ़ता है, बहुत आदमी एक्सीलरेशन भी पढ़ता है ना, है ना, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है? तो यदि समयांतराल औसत त्वरण में ही यदि समयांतराल क्षण भर के लिए हो ना, यानी कि किसी अल्प दूरी के समयांतराल का समयांतराल हो, तब जो प्राप्त त्वरण होगा उसको तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। मतलब कि गतिशील पिंड के गति पथ पर किसी खास क्षण पर जो त्वरण होता है ना, यह सरल शब्द हम लिख देते हैं, किसी पिंड का किसी खास क्षण पर जो त्वरण होता है उसे तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक रास्ता है, हम लोग को चलना है यहाँ से, ठीक ना, हम लोगों को चलना है यहाँ से, चल रहे हैं यहाँ से, चलते 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 यहाँ तक आ गए। जो भी बाइक चला रहे हैं हम लोग, बाइक चलाने क्रम में क्या हमेशा एक रंग बाइक रहता है? आप उसका स्पीडोमीटर देखेंगे, वो काटा भी वेरी करते रहता है, हल्का 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 वेरी करते रहेगा, थोड़ा सा भी वेरी करेगा लेकिन करेगा, एकदम एग्जैक्ट एक रंग नहीं रहेगा। तो जो वेग हर समय घट बढ़ रहा है ठीक ना, तो त्वरण भी हमेशा घट बढ़ रहा है। त्वरण तो यहां तक की दिशा भी थोड़ा सा बदल गया तो त्वरण बदल गया, चूंकि सदिश राशि है, सदिश तो दिशा बदले या परिमाण बदले या दोनों बदले, तो तीनों केस में सदिश राशि बदल जाएगा। परिमाण भी बदलने से बदलता है, दिशा भी बदलने जाने से सदिश बदल जाता है, और परिमाण दिशा दोनों बदले तब तो और बढ़िया से बदल जाएगा, कोई दिक्कत? तो वही बोले चर, वो त्वरण जो है चर त्वरण होता है, यानी कैसा त्वरण? वेरिएबल त्वरण होता है, कि त्वरण जो है वेरिएबल एक्सीलरेशन है। वेरिएबल एक्सीलरेशन रहने से क्या होगा, हम उससे हमको ये अवधारणा मिल रहा है कि हर समय जो है उसका त्वरण एक रंग नहीं बदल रहा है। तब वही लेते हैं, किसी खास समय लेंगे ना, तो इतने से समय अंतराल में जो त्वरण उसका हो जाए, यानी कि जो भी वेग में परिवर्तन हो जाए, इसी को हम मान लेते हैं यहाँ से तक टी वन और यहाँ से तक टी टू, विस्थापन वेग वी वन और यहाँ वी टू, तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? वी टू माइनस वी वन, और समय में परिवर्तन क्या होगा? टी टू माइनस टी वन। अब इसी को घटा के लिख देंगे हम लोग कैसे, डेल वी बाय डेल टी। अब इसी में बताते हैं, चूंकि ये दोनों बिंदु नजदीक है ना, ये सॉलिड सब कम वही चीज कर दिए जो कि औसत त्वरण में कर रहे थे ना, लेकिन अंतर यही है, औसत त्वरण में प्रारंभिक बिंदु कहीं भी होगा, अंतिम बिंदु कहीं भी होगा, लेकिन तात्क्षणिक त्वरण में क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के अत्यंत निकट होना चाहिए, ठीक ना, निकट ही नहीं बल्कि अत्यंत निकट होना चाहिए। यही इसी के लिए यहाँ लिमिट लगा देते हैं, कि अगर इसी में हम लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो अगर कह देंगे, तब जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे ए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तब इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कब कहेंगे? जब टाइम का अंतराल जो है बहुत अल्प हो, और ये तभी संभव है जब दोनों बिंदु प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु बहुत अल्प हो ना, तब इसी को क्या कहते हैं, कैसा है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे? तो बस यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर क्या लिख देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर लिख देंगे लिमिट, ये चीज दिखाना पड़ेगा, लिमिट
डेल्टी टेंस टू जीरो क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो डेल वी बाय डेल टी। और जब लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो हो जाए तो इसको हम लोग डेल को किस में बदलते हैं, डी में, डी वी बाय डी टी। कोई दिक्कत? तो डी भी है मतलब वो समझ जाइए कि बहुत अल्प अंतर है। डी टी कहीं भी किसी चीज को मानेंगे मतलब समझ लीजिए अल्प समय अंतराल है। डी एक्स मान लेंगे समझिएगा कि वो विस्थापन बहुत कम है। d से जब भी मानेंगे dx माना कि dt समय में dx विस्थापन तय क्या है, मतलब वही है वो डेल एक्स टेंस टू जीरो वाला अवधारणा को मान रहे हैं। फिजिक्स में ये आते रहेगा ना कि जब भी मानेंगे dt समय में dx विस्थापन तय क्या, तो आपको समझ लें वो dt क्यों माने हैं भाई, डेल टी क्यों नहीं माने, डेल्टा को ही डेल बोल रहे हैं, डेल टी क्यों नहीं माने हैं। तो डेल टी इसलिए नहीं माने क्योंकि ये कुछ बड़े विस्थापन को भी डिनोट कर सकता है, बड़े समय अंतराल को डिनोट कर सकता है, उस समय विस्थापन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। और डी टी जब मानेंगे ये बहुत अल्प समय अंतराल है इसलिए इसका विस्थापन भी अल्प होगा, इसलिए इसको भी डी एक्स मानते हैं। फिजिक्स में बराबर मानेंगे, वो आगे समझ में आएगा, किसी चीज़ का जब प्रयोग करते हैं तब ज़्यादा समझ में आता है। तो तात्क्षणिक त्वरण बराबर क्या निकल गया, डी वी बाय डी टी। अब ये जो वेग है तो ये भी तो अल्प समय में ही वह वेग निकला ना, जब दोनों बिंदु बहुत नज़दीक है T1 पर T2 है और यहाँ V1 V2 मान लेते हैं, तो इस समयांतराल में जो यहाँ विस्थापन अगर हुआ होगा वो भी तो अल्प ही हुआ होगा, तो यहाँ ये जो वेग है ये भी तो तात्क्षणिक वेग ही हुआ होगा ना, होगा नहीं समझे। जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एकदम अल्प ले लिए दूरी पर, समय अल्प समय अंतराल ले लिए, तो उसके समय जो वेग आया ये घट के, ये वेग भी तो तात्क्षणिक वेग ही होगा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ भी के जगह लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी विस्थापन वाला फर्स्ट शुरू में जो पढ़े हम, तात्क्षणिक वेग बराबर नहीं पढ़े थे डी एक्स बाई डी टी, आपको मैं याद दिला देता हूँ, फिर अभी तुरंत पढ़े थे डेल टी टेंस टू सॉरी लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और फिर डेल एक्स बाय डेल टी पढ़े थे, ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर, इसी को लिख दिए थे डी एक्स बाय डी टी, याद आया? तात्क्षणिक वेग का ये सूत्र पढ़े थे ना, इसी को क्या लिखे थे डी एक्स बाई डी टी। तो भी के जगह हमने लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, क्यों, क्योंकि ये वेग जब ये तात्क्षणिक त्वरण में वेग है तो वो अल्प दूरी का होगा, इसलिए ये वेग भी है तात्क्षणिक वेग, ठीक ना। तो ये लिख सकते हैं और इसी को आगे बढ़ा के ऐसे लिखा जाता है डी, इसको जब अंदर डेरिवेटिव्स को आते हैं इसको डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव्स ऐसे लिखाता है, ठीक ना। डी पर स्क्वायर कर देना है एक्स और इसमें डी टी डी टी डी टी का होल स्क्वायर नहीं होगा बल्कि डी टी पर केवल स्क्वायर होता है, इसको समझिए गणित में भी यूज होते रहेगा, ठीक ना। डी टी को जब अंदर ले जाते हैं तो डी टी पर स्क्वायर होता है, ये डी गुना टी नहीं है, बात बुझे ना, डी गुना टी नहीं है, इसको ये नहीं समझना डी गुना टी है, ये गुना टी रहता और स्क्वायर रहता तब हो जाता है डी स्क्वायर टी स्क्वायर, बात समझे, बल्कि ये डी टी क्या है, ये अल्प समय अंतराल को बता रहा है, ठीक ना, अल्प समय अंतराल को बता रहा है इसलिए डी टी पर स्क्वायर करते हैं, डी टी स्क्वायर ये एक चीज है, एक संकेत है, बात बुझे ना। जैसे अब बता रहा हूं मैं, सोडियम है, सोडियम में टू लगाते तो एन टू ए टू दोनों इसका अर्थ होता है, इसका कंसेप्ट कैसे आप लिए, सोडियम का संकेत ही एन मान लिए, उसी तरह टाइम अंतराल का संकेत डी टी समझ लीजिए अभी, ठीक ना। कहिए ऊपर में फिर डी भी था तो ये क्यों नहीं वो अंतराल था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है, ठीक ना, है ना, ये वेलोसिटी है, जब आप यहाँ टाइम को बदलेंगे दूसरा चीज लाएंगे तो वो नहीं होगा डबल चीज स्क्वायर में तब नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक ना। और वेलोसिटी जो है वेलोसिटी बदल गया डी एक्स में, ठीक ना, और यहाँ इसके साथ एक्स नहीं है, ये बता रहा है कि डी एक्स बाई डी टी का जो डिफ्रेंसिएशन है टाइम के सापेक्ष है, इसका डेरिवेटिव से है टाइम के सापेक्ष है, इसलिए टाइम वाला पर स्क्वायर आता है और ये डेरिवेटिव से डबल हो जाता है, ठीक ना। बाकी और इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा मैं गणितीय अवधारणा बताऊंगा, ठीक ना, वहाँ बहुत डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा होगी तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अभी आप खाली इतना ध्यान में रखिए कि d बाई डी टी जो है ये डेरिवेटिव्स कहलाता है, वेग का
टाइम के सापेक्ष। अब जब वेग के जगह हम dx by dt कर दिए तब अब ये होगा विस्थापन का डबल डेरिवेटिव्स किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, ठीक ना। विस्थापन का डबल डेरिवेटिव से कहे किसके सापेक्ष, विस्थापन टाइम के सापेक्ष, यानी हम कह सकते हैं विस्थापन का समय के सापेक्ष डबल डिफ्रेंसिएशन को भी त्वरण कहते हैं। जैसे इसमें कहेंगे विस्थापन का समय के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन को यानी डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा अजीब सा क्या डेरिवेटिव्स बोल रहा है, इसलिए लगेगा क्योंकि पहली बार आप सुन रहे हैं, ठीक ना। इसी के लिए एक गणितीय अवधारणा फिजिक्स में एक यूनिट है जिसको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं उसको भी साइड से ले लूँगा क्लास, वहाँ आप समझेंगे बहुत कुछ, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अभी आपको ध्यान में रखना है खाली कि v के जगह dx by dt यहाँ से आया और इसको जब अंदर करते हैं तो d पर केवल स्क्वायर लिखा जाएगा, और ऐसे भी गणित का ही भी रूप अगर देखते हैं d गुना dt स्क्वायर आया, बीज गणितीय रूल, और dt गुना dt में dt का होल स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये संकेत केवल समय का है इसलिए समय पर स्क्वायर हो गया, सरल शब्दों में, ठीक ना। ऐसे ये नहीं होता है लेकिन ऐसे दिख रहा है तो इस ढंग से भी हम समझ सकते हैं। अभी आपको समझाने के लिए क्या इतना ही समझना पड़ेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो अब आपको कहीं भी मिल जाएगा वेग, तो वेग के जगह आप dx by dt लगा सकते हैं क्योंकि ये वेग का समीकरण है। और कहीं भी आपको मिलेगा त्वरण, तो त्वरण के जगह आप d2x by dt स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी विस्थापन का डबल डेरिवेटिव अगर हो तो वहां हम कह सकते हैं क्या कि ये त्वरण है। विस्थापन का सिंगल डेरिवेटिव से कह सकते हैं ये क्या है, वेग है, यानी कि विस्थापन का एक बार डिफ्रेंसिएशन समय के सापेक्ष हो तो उसको क्या कहेंगे, वेग, और विस्थापन का अगर दो बार समय के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हो तो उसको क्या कहेंगे, त्वरण। ये बात समझिएगा, इतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ किसका काम आगे लगेगा बराबर, ठीक ना। विस्थापन का एक बार समय के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन को क्या कहते हैं, वेग, और विस्थापन का दो बार समय के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन को क्या कहते हैं, त्वरण। समय के सापेक्ष ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है डेरिवेटिव्स होगा किसी के सापेक्ष होगा, नीचे वाला को सापेक्ष कहते हैं, या समय सापेक्ष कहलाएगा। जैसे हम वेग पर बनता एक राशि बताया था मैं बताया था वेग पर बनता याद है डी वी बाय डी एक्स बताए थे वेग पर बनता। ये क्या है, वेग का डेरिवेटिव्स है या डिफ्रेंसिएशन है किसके सापेक्ष, विस्थापन के सापेक्ष। अब इसको समझे, ठीक है। तो ये जो है तात्क्षणिक त्वरण में बताया आपको, अभी छोटी छोटी राशि से मैं परिचित कराया त्वरण क्या है, औसत त्वरण क्या है और तात्क्षणिक त्वरण क्या है। इसके पहले मैं पढ़ाया वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। फिर मैंने पढ़ाया औसत वेग क्या है, तो किसी खास समयांतराल में जो विस्थापन है उस विस्थापन को उस समयांतराल से भाग दे देते हैं तो प्राप्त वेग औसत वेग एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। फिर पढ़े हम लोग तात्क्षणिक वेग, क्या पढ़े, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज है, तो इसको पढ़े क्या किसी क्षण पिंड के वेग को। क्षण के लिए क्या करते हैं हम लोग, वो जो ए बिंदु और बी बिंदु लिए, यहाँ दो बिंदु जो लिए थे, इस बिंदु का नाम ए और बी अगर कह दें तो ये दोनों बिंदु अत्यंत करीब अगर हो, कल्पना करते हैं कि चूंकि ये लंबे दूरी में हमेशा वेग समान नहीं होगा, विस्थापन समान नहीं होगा, इसलिए अल्प समय के लिए हम मान लेते हैं कि उसका जो है किसी क्षण पिंड का जो वेग होगा, हर क्षण चूंकि घट बढ़ रहा है चर वेग होगा, चर त्वरण होगा ना, तो किसी क्षण पिंड का वेग अगर ज्ञात कर दे, यानी कि वो ए बिंदु बी बिंदु कल्पना करके एकदम सटा के ले ले, माना कि ये इस जगह है, बी एकदम उसके तुरंत बगल में है, तब जो विस्थापन में परिवर्तन की दर होगा उसको क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। और वेग के जैसा ही जब दो बिंदु अत्यंत अल्प रहता है, अल्प दूरी पर अगर दोनों का वेग ले लेंगे यानी डेल्टी टेंस टू जीरो ले लेंगे, तब जो त्वरण निकलेगा उस त्वरण को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यही तक रहने थे।